हाँ मैं तेरा दिल दुखाता हूँ, हाँ मैं तेरा दिल दुखाता हूँ, मगर कभी आके देखो आंसू जो मैं अकेले में बहाता हूँ। नमस्कार, पुण्य श्लोक लवे शो में हमने देखा कि गौतम भाई सरकार आंसू बहाती है, आज वो थोड़ी सी फिर देवी अहिल्या के लिए पिघल जाती है। क्या होता है देखिए, शो की शुरुआत होती है रसोई घर से, सभी महिलाएं वहां पर होती हैं। देवी अहिल्या जानना चाहती हैं द्वारका भाई साहेब से कि दरबार में क्या हुआ, जो बात तुको जी से कही थी देवी हिले ने, क्या तुको जी ने वो बात कही, क्या उस विषय पर चर्चा की गई वहां पर। तब नाराज हो जाती हैं गौतम भाई सरकार और बाहर चली जाती है कि तुम्हें तो बस यही पड़ी है, रसोई में कोई तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। द्वारका भाई साहेब वहीं रुकती है और देवी अहिल्या जाती अपनी सासू बाई के पास में, कहती है कि आप मुझसे अभी भी नाराज हैं, मैंने आज तो दरबार में भी नहीं गई, मैंने मना भी कर दिया, कल के लिए भी मना कर दिया, मैं नहीं जा रही हूँ दरबार में, मैं राजपाठ के काम में हिस्सा नहीं ले रही हूँ, फिर आप मुझसे नाराज क्यों हैं सासू बाई। सासू बाई क्या कहती है, कहती है माना तुम नहीं जा रही हो दरबार में, मगर फिर भी तुम्हारा ध्यान तो उसी में है, तुम्हें ये जानने में लगी हुई हो तुम कि तुमने जो सुझाव दिया था वो दरबार में रखा गया कि नहीं रखा गया, उस पर काम हुआ कि नहीं हुआ। तुम्हें रसोई की चिंता नहीं है, तुम्हें घर बार की चिंता नहीं है, और वो कहती है कि मैं तुमसे नाराज हूं अहिल्या, तुम्हें दुख होता है जब मैं तुमसे नाराज होती हूं, मगर वो कहती है कि मगर मैं भी खुश नहीं रहती तुम्हें दुखी करके, मगर मैं क्या करूं, तुम्हें कोई और भाषा समझ में आती ही तो नहीं, इसलिए मुझे करना पड़ता है, और मैं तब तक करती रहूंगी जब तक तुम सुधर नहीं जाती, मतलब कि मेरी सिर्फ और सिर्फ सुनबाई इस घर की नहीं बन जाती, राजपाट के सभी काम तुम भूल नहीं जाती, तब तक मैं ऐसी ही बनी रहूंगी, तुमसे ऐसा ही व्यवहार करूंगी, हालांकि मुझे भी पसंद नहीं है, मैं भी रोती हूं, ये उन्होंने कहा। देवी हिल्या भी मन ही मन रो रही होती है और आंखें लगभग बस छलक गई थी गौतम भाई सरकार की, मगर वो खुद को संभालती और कहती है कि मैं तुमसे गुस्सा रहूंगी जब तक तुम, जी हाँ, दरबार के कामों से पल्ला नहीं झाड़ लेती, तुम जब तक सिर्फ और सिर्फ रसोई में ध्यान नहीं लगाती। फिर क्या होता है, बात चली जाती है दूर तक, जी हाँ दूर तक बात जाती है, वहां से फिर जाती है देवी अहिल्या मंदिर में, और सासू बाई होती है हरकू बाई उनके पास में, कहती है तुम नाराज क्यों हो, दुखी क्यों हो, वो तुमसे नाराज नहीं है, दुखी है और तुम भी दुखी हो, मगर अहिल्या संभालो अपने आप को, तुम्हें बहुत कुछ करना है। और फिर देवी अहिल्या क्या कहती है, वो कहती है मैं जानती हूँ, और मल्हार राव सूबेदार जी मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है वो मुझे जिम्मेदारी नहीं देंगे, मगर जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है वो मेरे बाबा साहेब हैं, वो मेरे सिर्फ ससुर नहीं है, पिता समान है, पिता मानती हूँ उनको, और इसलिए, और इस वक्त तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, उनके कंधों पर बहुत बोझ है, और मैं यदि उनको कुछ थोड़ा बहुत हल्का कर पाऊं बस यही तो चाहती हूँ, और मैं करती रहूंगी, बेशक कितनी भी नाराज हो मेरी सासु भाई, कोशिश तो करूंगी। फिर वो क्या देखती है, देखती है रखमा भाई कहीं जा रही होती है, तुरंत जाती है दौड़ करके रखमा भाई के पास में देवी अहिल्या, और कहती है रखमा भाई सुनो तो, क्या आपको मालूम है तुको जी कहाँ पर होंगे। वो कहती है पता भी हो तो भी नहीं बताऊंगी। वो कहती देखो ऐसा है, बहुत जरूरी काम है, मैं तो बाहर जा नहीं सकती क्योंकि गौतम भाई सरकार नहीं चाहती इसलिए, मगर मुझे मतलब काम फिर बता देती है, काम ये है कि जो हत्याकांड हुआ है लगान को लेकर के उसका हो सकता है, मतलब मुझे आइडिया आया है, और वो यदि मैं बताऊं तो तुको जी गाँव में जा करके उसका पता लगा सकते हैं, हो सकता है कामयाबी हमें मिल जाए। फिर रखमा भाई कहती है देखो तुकु जी बहुत भोले हैं, मगर मैं तुम्हारी बात मन को आने नहीं दूंगी, नहीं बताऊंगी, और देखो बड़ी मुश्किल से मौका मिला है मेरे पति को सेनापति बनने का, वो मुहिम में जा रहे हैं सेनापति बन करके, और तुम चाहती हो कि मैं नाराज कर दूं गौतम भाई सरकार को। मेरे पति नहीं जानते, मगर मैं जानती हूँ इस महल में जो है रानियों की भी इतनी ही चलती है, द्वारका भाई साहेब तो पहले से खिलाफ थी तुको जी के, क्योंकि वो युवराज खंडेराव को भाई मानते हैं और बहुत ज्यादा उनकी परवाह करते हैं इसलिए, मगर अब गौतम भाई सरकार को भी मैं नाराज नहीं करूंगी, और यदि वो नाराज हो गई क्योंकि मैंने तुम्हारी बात मानी और वो बाहर चले गए, गौतम भाई सरकार को पता लगा तो बस सेनापति पद कैंसिल उनका, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो कहती ठीक है मैं तुको जी कुछ नहीं कहूंगी इस विषय में, उन्हें अपनी तैयारियां करने दो। फिर देवी अहिल्या लौट आती है और क्या होता है, वहां पर बात हो रही होती है दिलों की, द्वारका भाई साहेब ने भेद खोल दिए अपने दिल के, सज धज के गई बड़े आराम से शान से, और कहती है आज उन्होंने तू तड़क नहीं की, आज उन्होंने लीपा पोती नहीं की, स्पष्ट शब्दों में बात कही कि देखिए जो कुछ महल में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, सरकार
देवी अहिल्या राजपाट के कामों में हिस्सा लेती है, गौतम भाई सरकार बहुत दुखी है इस बात से, और दोनों सासू बहू एक दूसरे से मुंह फुलाए घूमती है, मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। इसका एक समाधान हो सकता है, साथियों कहती है कि आपने तुकु जी को सेनापति भी बना दिया, उस मुहिम का जिम्मा भी दे दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, और लगान का जो मतलब कि जो मामला है उसकी जाँच भी वो कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं देखो इसमें गुन्नू जी की कोई दिक्कत नहीं है, गुन्नू जी को वो सिर्फ जाँच कर रहे हैं, और ठीक है अनुभवी हैं, ईमानदार हैं, मैं जानता हूँ, और अच्छे से कर ले, इसलिए मैंने उनको ये जिम्मेदारी दी है। फिर वो कहती है देखो मैं साफ साफ आपको कहती हूँ, यदि अहिल्या राजपाट के कामों में हिस्सा लेती रहेगी तो ईर्ष्या में आ जाएंगे खंडेराव, बहुत दुखी हो जाएंगे, कुंठा में भर जाएंगे, क्योंकि अहिल्या तो अपना चलाएगी और युवराज मतलब उनके मन में बहुत ठेस लगती रहेगी, लगती रहेगी। फिर वो कहते नहीं, युवराज खंडेराव परिपक्व है, उसको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझता हूँ इस बात को। वो कहती देखो मैं आपको बता ही देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, हर समस्या का समाधान हो जाएगा, घर का माहौल बढ़िया हो जाएगा, यदि आप गुन्नू जी को गद्दी सौंप दे, राजा बना दे। फिर वो कहते हैं देखो यदि युवराज खंडेराव या देवी अहिल्या से बढ़कर कोई लगे, मुझे प्रजा में से भी कोई लगे ना, प्रजा में से भी, तो भी मैं बना दूंगा उसे राजा। मगर बात क्या है, बात ये है कि गुन्नू जी में मुझे वो चीज दिखाई नहीं दी। फिर वो कहती है आप तो उनकी तारीफ करते हैं, कि तारीफ करता हूँ, देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव से ज्यादा अच्छी तलवारबाजी वो करते हैं, वीर हैं, पराक्रमी हैं, मगर मगर क्या है, जो प्रजा के प्रति उनकी आंखों में प्यार नहीं दिखता मुझे, जो देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव की आंखों में दिखता है, बस यही वजह है। फिर वो कहते हैं मैं नहीं बना सकता उसको। ठीक है, वहां से चली जाती है कोतमाबाई सरकार की छोटी बहन द्वारकाबाई साहेब। फिर क्या होता है, वो जाती है वहां पर अपने कक्ष में, और बात हो रही होती है कि श्रृंगार क्यों नहीं किया, यमुना बाई कहती है आप अभी तक कैसे क्यों हैं, पूजा हो रही है, ये काम है, वो काम है, लड्डू बनाने हैं, तैयारी करनी है। वो कहती बस तुम जाओ मैं नहीं करूंगी। कहती अक्का साहब आपकी अक्का साहेब ने तो कहा था और आप तो तैयार थी इस बात के लिए। कहती नहीं करूंगी मैं, नहीं करूंगी। तभी आते हैं धन्ना सरदार और कहते हैं रानी साहेब, वो कहते हैं आप कुछ मतलब नाराज उदास नजर आ रही है, क्या बात है, चिंतित है आप। वो कहती है हाँ देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने साफ साफ शब्दों में बात कही, और जो कल मैंने बात कही उससे मैं बड़ी दुखी हूँ, चिंतित हूँ। क्यों हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया मल्हार राव सुबेदार जी से गुन्नू जी को राजा बना दो, गद्दी सौंप दो, युवराज घोषित कर दो। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मैं उनको लायक नहीं मानता। साफ साफ उन्होंने मना कर दिया और ये तक कह दिया कि वो जानते हैं कि मेरे मन में ये सपना बहुत अरसे से पल रहा है। फिर क्या होता है, वही होगा अब तो जो चाहेंगे युवराज के पिता मल्हार राव सूबेदार जी। और फिर महल को, महल में जो है अच्छा वातावरण हो इसलिए पूजा की जाती है, भगवान श्री राम की कथा वहां पर हो रही होती है। और वहां क्या होता है, भगवान श्री राम का नाम देखो मतलब ऐसा कहा जाता है, सुना है मैंने ऐसे कि भगवान राम से बढ़कर कोई बड़ा नाम नहीं है, ओम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, और हो सकता है मतलब मैंने जो सुना मैं बता रहा हूँ आपको। तो फिर क्या होता है, देवी अहिल्या को यहाँ से ख्याल आता है कि भगवान श्री राम भेष बदल करके जाते थे, ऐसा उन कथाकार ने कहा प्रजा के दुख दर्द को जानने के लिए, और यहीं से ख्याल आया देवी अहिल्या को कि मैं भी ऐसा ही करूंगी। और वो जाती हैं उस कथा के बाद में सूबेदार जी के पास, उनको बताती है कि समस्या का समाधान हो सकता है, पता चल सकता है, निवारण हो सकता है इस समस्या का जल्दी। वो कहते हैं कैसे, फिर बताती हैं देवी अहिल्या उनसे, वो कहते हैं खतरा बहुत ज्यादा है, यदि खतरा तो है मगर समाधान तो करना पड़ेगा।